और कई लोगों की आदत होती है कि सर आज तो मतलब आपने मोटिवेट कर दिया, अब तो मैं 8-8, 10-10 घंटे पढ़ूंगा। 1 घंटे पढ़ोगे, 2 घंटे पढ़ोगे, 3 घंटे पढ़ोगे, 4 घंटे पढ़ोगे, धीमे धीमे एनर्जी कम होती जाएगी और ऐसा आप 2-4 दिन ही करोगे, 2-4 दिन ही करोगे, इसके अलावा आप नहीं करने वाले। तो इसीलिए जो आखिरी तीसरा पॉइंट है वो यही लिखा है कि लंबे समय तक नहीं पढ़ना है, टुकड़ों में पढ़ो। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि किस तरीके से आपको चलना है। अब ऐसे बार बार मैं याद दिलाने नहीं आता रहूंगा कि भाई डेली डेली याद दिलाता रहूं कि मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बताया था। बता दिया, बस उसको फॉलो करना है, ठीक है? बता दिया, अब उसको फॉलो करना है। तो आपको लंबे समय तक नहीं बैठना कि 8 घंटे बैठे, आउटपुट ही निकलेगा आपका, आउटपुट ही नहीं निकलेगा भाई, 8 घंटे बैठ के क्या ही कर लोगे। तो इसलिए छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में पढ़ो। मान लो आपने 1 घंटे पढ़ लिया, 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 1 घंटे पढ़ लिया, फिर आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो। तो आप पढ़ते भी जाओ और ब्रेक भी लेते जाओ, ठीक है? और जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, और ब्रेक ले रहे हो तो सिर्फ ब्रेक लो। ऐसा नहीं कि ब्रेक भी ऐसे ले रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो अब जो है बिस्किट खाते हुए ब्रेक ले रहे हैं और बस ये भी देख रहे हैं, उसमें तुम एहसान कर रहे हो ब्रेक पे, और कुछ नहीं कर रहे हो, है ना? तो ब्रेक लो तो बढ़िया से ब्रेक लो, कॉपी किताब बंद करके एकदम शांति से बैठो, या गाने सुनो, या कुछ खेलना है खेल लो। लेकिन जब आप पढ़ने बैठे हो तो एकदम पढ़ाई स्टार्ट कर दो, और 1 घंटे मतलब 1 घंटे मैक्सिमम आउटपुट निकल, 95% आउटपुट आपका निकलना चाहिए 1 घंटे में, ठीक है? क्लियर है? तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें।